सभी प्रियजनों को राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि दीपावली में ऐसा क्या करें जिसके करने से हमारे घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपार बनी रहे हम पर। तो आइए सर्वप्रथम जानें कि दीपावली किस दिन मनाएं, क्या मुहूर्त है, क्या टाइम पे हम पूजा करें। तो सर्वप्रथम दीपावली 4 नवंबर को अमावस्या पड़ रही है, कार्तिक मास की अमावस्या, जो कि इस वर्ष बहुत ही शुभदायक है, क्योंकि 4 ग्रहों की युति है, तो इसलिए इस वर्ष दीपावली बड़ी ही उत्तम आई है। आप सभी के सुख समृद्धि के लिए इस वर्ष दीपावली में मां महालक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान माँ सरस्वती जी का पूजन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि से, कर्ज से निवृत्ति, ऐसे बहुत से जो है फल आपको इस वर्ष दीपावली में प्राप्त होंगे। तो 4 नवंबर को दीपावली है और पूजा की अवधि है शाम को 6:09 से 8:25 तक। इस टाइम में आप पूजन करें मां महालक्ष्मी जी का, और मां महालक्ष्मी जी का जब पूजन करें आप, तो व्यवस्था में क्या क्या आप रखें, नीचे गोबर से लीप करके, यदि गोबर ना हो तो गंगा जल से थोड़ा सा जल से पहले पोंछा टाइप लगा लें, चौक पूरेंगे, हल्दी का चौक पूरे उस दिन, और हल्दी का चौक पूर करके एक पटे में लाल वस्त्र बिछा करके उसमें मां महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, गणेश भगवान को स्थापित करें, कलश स्थापन करें, और फिर मां महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। तो पूजन में ऐसा क्या उपाय हम करें जिसके करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बने, तो आइए उन उपायों को जानते हैं। जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े पहली बार, उनसे निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो आएंगी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम उपायों में हम जानें कि मां महालक्ष्मी जी को जब आप पूजन करें तो उस दिन 7 बाती या 9 बाती का एक दीपक बनाएं, दीपक उसमें 9 बाती रखें, उसमें घी वाली जो है बाती रखें, और 9 वाली दीपक माँ भगवती के सामने 9 दिया वाले रखेंगे। 9 दीपक मतलब 9 बाती वाला, 9 दीपक नहीं, 9 बाती वाला जो लौ रहेगी उसकी 9 बाती रहेंगी एक ही दीपक में, बड़ा सा दीपक में। तो उस दिन आप घी वाला दीपक माँ महालक्ष्मी जी को जैसे ही आप अर्पित करेंगे, तो इसके करने से कर्ज से निवृत्ति माँ महालक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बनेगी, और उस दिन जो कौड़ी रहती है माँ महालक्ष्मी जी को पीली कौड़ी बहुत पसंद है, प्रिय है, तो हल्दी और केसर में कौड़ियों को भिगा लें। दूसरा उपाय बता रहे हैं, कौड़ियों को हल्दी और केसर में भिगा करके लाल वस्त्र में बांध करके अपने तिजोरी में रखेंगे, तो इसमें धन लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिससे कि जब महालक्ष्मी जी की आप पर कृपा होगी, मां महालक्ष्मी जी आपके घर पर आएंगी तो आपका जो है कल्याण ही करेंगी। तो दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय क्या करें हम, तीसरा उपायों में महालक्ष्मी जी के दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन नमक लेकर के आए दुकान से, नमक, ये नमक का उपाय जो है यह भी बहुत सिद्ध है। तो उस दिन आप नमक लेकर के आए, कहते हैं जिस दिन दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन जो नमक लेकर के आता है उस पर मां महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर, तो आप उस दिन नमक लेकर के आए। धनतेरस के दिन झाड़ू भी मां महालक्ष्मी जी का रूप है, तो दीपावली के दिन झाड़ू
और धनतेरस के दिन आप झाड़ू लेकर के आए घर पर। कहते हैं झाड़ू महालक्ष्मी जी का रूप है, और जिस घर में झाड़ू रखने का तरीका आ गया, झाड़ू कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, कैसी रखें, आप ही बताएं। आप अपने घर पर झाड़ू कहाँ रखते हैं? कई लोग ऐसे रख देते हैं जहां से पकड़ते हैं उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं, जहां से ऐसे पकड़ते हैं उसको खड़ा कर देते हैं, ऐसे खड़ी रख देते हैं। तो आप ये बताएं कि जिस तरह आप पकड़े हैं वो है क्या है? वह मुख है क्योंकि, और जो नीचे तरफ आप झाड़ू लगाते हैं वो पैर होगा झाड़ू के। तो आप यदि पैरों को ऐसे ऊपर करके रख देंगे तो आपके घर में क्या महालक्ष्मी जी रहेंगी? जब आपने महालक्ष्मी जी को उल्टे लटका दिए तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या सीधी रहेगी? वही उल्टी रहेगी। तो आप ध्यान रखें झाड़ू को जिस दिशा से आप पकड़ते हैं ना, वह हमेशा ऊपर ही रहे, और झाड़ू को कहीं भी नहीं रखना, बायवे कोण के बायवे कोण में रखना चाहिए। तो झाड़ू लेकर के आए, झाड़ू का पूजन करेंगे वहां महालक्ष्मी जी के, जहां पर आप पूजन कर रहे हैं वहां पर रख करके झाड़ू का पूजन करेंगे। और उस दिन मां महालक्ष्मी जी के श्री सूक्त से जो 16 ऋचाएं रहती हैं उनसे मां महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। पूजन में क्या 16 उपचार विधि से जो पूजन होती है, मां महालक्ष्मी जी का ध्यान करना, सप्तघृत मातृका बनाना, एक पट्टे में जो बिंदु रहती हैं पहले एक फिर दो फिर तीन ऐसे 4, 5, 6, 7 नीचे 7 रहेंगे, नीचे 7 लाइन खींच के आड़ी लाइन खींच देंगे, तो उससे एक सिक्का चिपका देंगे, उसका भी महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए क्योंकि वह भी सप्तघृत मातृका है, लक्ष्मी जी का रूप है। उन पर थोड़ा सा घृत घी छोड़ेंगे, गुड़ लगाएंगे हर बिंदु में, इस प्रकार से उस दिन आप पूजन करेंगे। यदि आपके पास गोमती चक्र है तो गोमती चक्र मां महालक्ष्मी जी के सामने रख करके उसका भी पूजन करेंगे। और फिर दीपक बताया गया है कि दीपक दो द्वार में, एक तिजोरी में, गौशाला में, छत पर, और 4 दीपक 4 मुख वाला दीपक यम के लिए भी आप बाहर रखेंगे, जिससे कि आपके घर में जो भी कलह रहे वह दूर हो जाए। और फिर उस दिन देहरी का पूजन का भी बताया गया विधान में कि आप जो देहरी रहते हैं जिससे आप प्रवेश करते हैं, तो उसमें भी आप प्रातः काल जो है दीपावली के दिन घरों पर चौक पूरे देहरी के पास रंगोली डालें और स्वास्तिक बनाएं। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाकर एक सुपाड़ी रखें, उसमें धागा लगाएं और धागा लगा करके देहरी के पास रखें शाम के समय रंगोली डालने के बाद। ऐसा करने से भी आपके घर में मां महालक्ष्मी जी का आगमन होगा। एक मंगल कलश बनाएं, जब पूजन आप करें तो एक कलश में तांबे का कलश रहे या तांबे का ही उचित है। आप तांबे का एक लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे गंगा जल, एक सिक्का सुपारी हल्दी उसमें डाल के 5 पत्ते लगा करके एक नारियल में लाल कपड़ा बांध करके इस मंगल कलश में स्वास्तिक बना करके मां महालक्ष्मी जी के सामने नीचे थोड़े से अक्षत रख करके पूजन करेंगे आप उस दिन। तो इन उपायों को यदि आप करते हैं, बड़े ही सरल उपाय है, कुछ ऐसा बड़ा तो कुछ है नहीं, तो इन यदि उपायों को आप करेंगे तो आपके घर में मां महालक्ष्मी जी की अपार कृपा की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको पता है 4 नवंबर को शाम 6:09 से 8:25 तक शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ही आप पूजन करेंगे मां महालक्ष्मी जी का श्री सूक्त से। फिर बाद में जो है हवन पूजन करेंगे, मां महालक्ष्मी जी को भोग में नैवेद्य में बतासा लेकर के आए, मिष्ठान अनेकों प्रकार के मिष्ठान
भगवान भगवती को जब भोग लगाया तो इस प्रकार से भोग लगा करके पहले ध्यान करेंगे, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार चढ़ाए मां भगवती को, और फिर कुमकुम चंदन, यदि कमल के फूल मिल जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है। आप ये अवश्य देखें कि मां भगवती को आप 4 या 7 कमल के फूल भगवती को अर्पित करेंगे। यदि लाल पुष्प मिल गए तो अच्छी बात है, सफेद मिले तो सफेद भी आप चढ़ा सकते। 7 फूल लेकर के मां लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे उन्हीं सप्तग्रह मात्रिका के सामने। तो आप इन उपायों से आप अपने घर में मां महालक्ष्मी जी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और भी लोगों को प्राप्त हो। हम सभी आप भक्तों के लिए ही तो सनातन धर्म की परंपरा जो चल रही है उसे ही निरंतर चलाए रखने के लिए ही तो वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी को प्रेम भरा राधे।